हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेटू नॉलेज और मैं कविता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और उसमें से कुछ डाटा को छोड़ के बाकी सारा डाटा आप लोगों ने किसी और के साथ शेयर करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और मैं चाहती हूँ ये वाले रिकॉर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे डाटा को मैं किसी के साथ शेयर करूँ। तो मैं जिन रिकॉर्ड्स को औरों के साथ नहीं शेयर करना चाहती उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने बीच में से भी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल वाला बटन है उसे प्रेस कीजिए और जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और इन सिलेक्टेड सेल पे मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट सेल आता है, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद ये नंबर वाले टैब में सबसे नीचे आता है कस्टम, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे टाइप की कैटेगरी में जनरल आ रहा है, इसको मैं हटा रही हूँ। और यहाँ पे मैं 3 सेमीकोलन दे रही हूँ। ध्यान से देखिए, 3 सेमीकोलन देने से क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो हाइड हो जाता है लेकिन उसमें वैल्यूज एज इट इज रहती हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको मैं ओके कर रही हूँ और अभी आपके पास क्या शो हो रहा है कि यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो चले गए, बट एक्चुअल में यहाँ पे रिकॉर्ड है। कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यूज देख रहे होंगे आप और फॉर्मूला भी यहाँ पे एज इट इज नजर आ रहा है, कोई रिकॉर्ड्स यहाँ से नहीं हटे हैं। तो अगर ये रिकॉर्ड्स किसी को भेज रहे हो आप, तो अगर वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि आपने इसका फॉर्मेट चेंज किया है, आपने 3 सेमीकोलन से इस डाटा को हाइड कर रखा है, तो वो इजीली फॉर्मेट चेंज करके वहां से सेमीकोलन को हटा के वापिस अपने सारे रिकॉर्ड देख सकता है। तो ये तो ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी, तो और क्या कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे 3 और 4 वाली रोज को सिलेक्ट कर रही हूँ और राइट क्लिक किया मैंने और मैंने हाइड कर दिया इसको। और ऐसे ही 8 और 9 वाली रोज को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। यहाँ से ये हाइड तो हो गए, बट फिर से अगर ये किसी इंटेलिजेंट पर्सन के पास जाता है जिसको एक्सेल की नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से अनहाइड कर देगा, क्योंकि उसको क्लियरली नजर आ जाएगा कि 2 और 5 के बीच में जो रोज है वो हाइड हो चुकी है। तो ये भी ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। तो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। मैं ये सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल सी करके इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे किसी और लोकेशन पे इसको पेस्ट कर रही हूँ। कंट्रोल वी करके मैंने इसको पेस्ट किया, बट ये क्या, यहाँ पे जो हमारी हाइड रोज थी वो सारे रिकॉर्ड्स भी इसने यहाँ पे शो कर दिए, ये तो फिर से गलत हो गया। तो चलिए मैं अभी इसको अनडू कर देती हूँ और इसकी जो रोज हाइड थी उसको भी अनहाइड कर देते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो हेडिंग्स है हमारी उन सारे सेल्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे डाटा मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ सोर्ट एंड फिल्टर की कैटेगरी में फिल्टर आता है, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिल्टर लग गया और इससे क्या होगा, ये जो सारे सेल्स हैं इसको ये ब्लैंक काउंट करेगा। तो नेम के आगे ये जो एरो है इसको मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे आप देखोगे ये जो 6 नेम्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे सारे नजर आ रहे हैं और यहाँ सबसे नीचे ब्लैंक्स आ रहा है। अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो जितने भी ब्लैंक रिकॉर्ड्स होंगे इसको ये हटा देगा। और ये जो 6 नंबर पे दीप्ति ठाकुर का रिकॉर्ड है इसको भी मैं नहीं भेजना चाहती किसी को, इसको मैं हटा रही हूँ और ओके कर दिया। तो आप देखोगे इसने 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास शो कर दिए, दीप्ति ठाकुर वाला भी इसने हटा दिया। तो इसको मैं क्या करूंगी, सारे रिकॉर्ड्स को कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पे मैं किसी और लोकेशन पे कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो आप देखोगे इसने उतने ही रिकॉर्ड यहाँ पे पेस्ट किए हैं जितने हमें चाहिए थे। तो अगर मुझे वापस सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे जाके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे टिक कर देती हूँ और ओके कर दिया मैंने और वापस यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो होने लगे। और ऐसे ही जो हम लोगों ने ये रिकॉर्ड छुपाए हैं इसको भी मैं दोबारा वापस लेके आना चाहती हूँ। तो मैंने सभी को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पे गए। तो यहाँ पे जो कस्टम में हम लोगों ने 3 सेमीकोलन लगाए थे इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और ओके कर दिया और ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो वापस आ गए। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरी रो को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे होम पे चलते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इन दोनों रोज पे लगा दिया तो ये रिकॉर्ड्स वापस हमारे पास आ गए, लेकिन यहाँ पे उतने ही रिकॉर्ड्स हैं जितने हमें चाहिए थे। तो है ना ये बड़ा मजेदार, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट जरूर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स आगे भी लेके आती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार ट्रिक्स के साथ।
तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।